स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस। जो रेजोनेंस का फिनोमेना था वो हाइजेनबर्ग ने दिया था, साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने। तो इस फिनोमेना की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जो एक लूज स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने ओजोन का मॉलिक्यूल लिया है, इसका ये स्ट्रक्चर है लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये एक स्ट्रक्चर ओजोन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे इस स्ट्रक्चर में एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है वो 143 पिकोमीटर है और डबल बॉन्ड की 121। बट जब एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, यो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम आई, दैट इज़ 128 पिकोमीटर। तो इसके पीछे जो फिनोमिना था उसे हम रेजोनेंस का नेम देते हैं। सो पढ़ते हैं रेजोनेंस क्या होती है। जो ओजोन का स्ट्रक्चर है, ओजोन के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट डबल सिंगल में चेंज हो रहा है, डबल जो है सिंगल में चेंज हो रहा है, सिंगल डबल में चेंज हो रहा है। इसके साथ ओजोन के दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं जिसे हम नेम देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना। इसमें जो नॉन बॉन्डेड और डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग होती है। जैसे कि ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पे पहले डबल था, फिर सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो इनके बीच का इंटरमीडिएट करैक्टर आ जाता है, दैट इज़ पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर। डॉटेड लाइन शो कर रही हैं कि इन दोनों के बीच पार्शल डबल बॉन्ड है। तो पार्शल डबल बॉन्ड होने की वजह से दोनों ऑक्सीजन के बीच की जो ये बॉन्ड है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो सेम होगी, दैट इज़ 128 पिकोमीटर। तो ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबलाइज्ड होगा एज कम्पेयर टू दी स्ट्रक्चर्स। सो इस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो ये सारा जो फिनोमिना है ये रेजोनेंस होती है। और एग्जांपल लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेंगे, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो सिंगल वाला डबल में चेंज हो गया और डबल वाला सिंगल में। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यो, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों के सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो इनको तीन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर एक हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तीनों ऑक्सीजन और सल्फर के बीच जो बॉन्ड है उनका बॉन्ड लेंथ उनकी सेम आती है ड्यू टू रेजोनेंस। सो ये था रेजोनेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।